तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है भाजपा, माकपा नेता ने खोला राज मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर का फैसला बिल्कुल गलत, दोबारा से होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के समर्थन में उत्तरी आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में रोज एक घंटे पहले छुट्टी देने का किया ऐलान, तो हिंदू संगठनों ने आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक को पड़ा भारी, सतपाल मलिक पर आई मुसीबत, हो सकती है सीबीआई जांच, केंद्र ने दे दी है मंजूरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर विवाद पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान, बोले 3 मिनट की अजान से परेशानी है लेकिन अखंड पाठ पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने CAA NRC और मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है इसको लेकर बोला था पुलिस कर्मियों पर हमला, कबूला है आज बड़ा काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है भाजपा, माकपा नेता ने खोला राज मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि माकपा के पोलिंग ब्यूरो सदस्य एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS भारतीय गणराज्य को एक नए रूप में ढालने तथा इसे एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है और जल्द ही ये दोनों मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने यहां माकपा के 23वीं पार्टी कांग्रेस उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आगे कहा कि देश आजादी के 7 दशकों बाद गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, यहां हिंदुत्ववादी ताकतों और कारपोरेट संस्थाओं के बीच एक गठबंधन है जो केंद्र के सत्तावादी शासक का समर्थन करता है। उन्होंने कहा है कि नव उदारवादी और कारपोरेट समर्थक नीतियों ने लोगों की हालत और खराब कर दी है और ये जल्द ही भारत को धर्मनिरपेक्ष खत्म करके भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भाजपा और RSS का यही मिशन है कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि माकपा नेता ने भाजपा का ये बड़ा राज खोला है, जिसके बाद पूरे देश में इनके इस बयान की चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में रोज एक घंटे पहले मिलेगी छुट्टी, सीएम ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की YS जगन मोहन रेड्डी सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में आज बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिमों के रमजान महीने के दौरान विशेष छुट्टी की घोषणा आज की है, जिससे अंधभक्तों की जल गई है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस्लाम के मानने वाले राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और ठेका कर्मचारी 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने में कार्य दिवस के दौरान एक घंटा पहले कार्यालय स्कूल से जा सकते हैं, यानी अगर 6 बजे का टाइम है उनके काम करने का तो वह 5 बजे ही चले जा सकते हैं क्योंकि उनका रमजान है। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार की इस घोषणा का सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, लोगों ने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण बताया है। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी ऐसी घोषणा की थी, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद केजरीवाल ने यह फैसला वापस ले लिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया है और आंध्र प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि मुसलमान जो कर्मचारी हैं, जो रमजान रखते हैं, जो रोजा रखते हैं, उन्हें एक घंटे पहले ही छुट्टी आंध्र प्रदेश में दे दी जाएगी। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अगर कोई राज्य सरकार मुसलमानों के लिए कोई काम करती है तो किस तरह से हिंदू संगठन उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आज बड़ा झटका दिया है। अपने शुरुआती बात में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया था वह गलत था। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि ये बात साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया वह पूरी तरह से गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें देश हित में देखना होगा और हम इस पर आज ही फैसला सुनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इमरान खान की मुश्किलें पाकिस्तान में बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान, बोले 3 मिनट की अजान से हिंदुओं को है परेशानी लेकिन अखंड पाठ पर कोई कुछ नहीं बोलता। जब दोस्तों आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक ने पूरे देश में बहस शुरू कर दी है, वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा
चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मस्जिदों में हो रही अजान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि अजान को लेकर विवाद खड़ा करना देश में नफरत फैलाने की साजिश है। साथ ही सपा सांसद ने कहा कि 3 मिनट की अजान से प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन जो अखंड पाठ रात भर लाउड स्पीकर पर किए जाते हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान अपने बयानों को लेकर अक्सा में चर्चा रहते हैं। उन्होंने कई बार मुसलमानों का मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि भारत में जब से BJP सरकार बनी है तब से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, सपा सांसद ने यह बड़ा बयान दिया है, आपकी क्या राय इस पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का समर्थन करना, राज्यपाल सतपाल मलिक को पड़ा भारी, CBI की हो सकती है कार्रवाई, केंद्र ने दी मंजूरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोलना राज्यपाल सतपाल मलिक को भारी पड़ गया और CBI जल्दी मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने CBI को जांच की मंजूरी दे दी है। ये मामला जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते उन्हें रिश्वत की पेशकश से जुड़ा हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI से मामले की जांच कराने की सिफारिश की थी। दरअसल आपको बता दें कि जब मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी तब राज्यपाल सतपाल मलिक ने 3 कृषि कानून का किसानों के साथ ही विरोध किया था और मोदी से इसे वापस लेने की बात की थी, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी। इससे उन्होंने पूरे देश में किसानों को एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कहा था, लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार इसी बात से सतपाल मलिक से नाराज हो गई और अब केंद्र की मोदी सरकार ने CBI की कार्रवाई की मंजूरी राज्यपाल सतपाल मलिक पर दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज्यपाल सतपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में बगावत पर उतरे कांग्रेस के 4 विधायक, राहुल गांधी से मिलने का मांगा समय। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के 4 विधायक बगावत पर उतर आए हैं, इन विधायकों ने अलग बैठक की है। इसके बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में 4 विधायकों ने JSCA स्टेडियम में बैठक की। ये विधायक उमा शंकर अकेला, नमन विकसल कौंसारी और राजेश कच्छप हैं। इरफान का दावा है कि 9 विधायक नाराज हैं और सभी विधायकों ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव KC वेणुगोपाल से मिलने का समय मांगा है। इरफान अंसारी ने कहा कि पार्टी में रिजेक्टेड नेताओं को सिलेक्टेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री नाकारा हैं। मंत्री बनने के बाद वे एक ही वर्ग का ख्याल रख रहे हैं, जनता इन मंत्रियों के काम से खुश नहीं है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजान विवाद पर बोले बेंगलुरु जामिया मस्जिद के इमाम, हम सुप्रीम कोर्ट के सभी नोटिसों का करेंगे पालन, मंदिर भी चले इसी रास्ते। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब अजान का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं राजधानी बेंगलुरु में स्थित जामिया मस्जिद के प्रमुख इमाम और खातिम मोहम्मद M इमरान रसदी ने अजान लाउड स्पीकर विवाद पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे डिवाइस की व्यवस्था की है जो आवश्यकता अनुसार आवाज को नियंत्रित करता है ताकि कोई समस्या पैदा ना हो। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सभी नोटिस का पालन करेंगे, इसी तरह मंदिरों को भी इसका पालन करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कल ही कर्नाटक में जो है बेंगलुरु में 200 से 250 मस्जिदों को सरकार ने नोटिस जारी किया था और आवाज को जो अजान की आवाज है लाउड स्पीकर की उसे नियंत्रित करने के लिए कहा था। और इसी पर जो है जामिया मस्जिद के मौलाना का बयान आया, उन्होंने साफ कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट हमें निर्देश देगा, जो भी नोटिस देगा, हम वो सब कुछ मानेंगे और मंदिरों को भी ऐसा ही करना भी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने किया कबूलनामा, कहा CAA NRC और मुसलमानों को भारत में परेशान करने से था नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ में कई बातें कबूली हैं। जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक उसका कहना है कि मुसलमानों के साथ भारत में गलत हो रहा है, CAA NRC भी गलत है। बस इसी गुस्से में उसने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। मुर्तजा से नकलों में कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ के दौरान कहा कि मैंने टेम्पो वाले से कहा था कि मुझे गोरखनाथ मंदिर पर ही उतार देना, वहीं पर मैं हमला करूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं आए दिन देख रहा था कि मुसलमानों को भारत में परेशान किया जा रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों से हिजाब उतरवाया जा रहा है, CAA NRC देश में लागू की जा रही है और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसी बात से मैं नाराज था और इसी बात से नाराज होकर मैंने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये बड़ी बातें उन्होंने कबूली है। सरकार देखते इस पर क्या एक्शन आगे लेती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार एमएलसी चुनाव में एनडीए ने जीती 14 सीटें, 4 पर राजद का कब्जा, बागियों ने भी किया कमाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना गुरुवार को शुरू हुई, जिसके बाद परिणाम चुनाव आने लगे। मुजफ्फरनगर से जेडीएस प्रत्याशी दिनेश सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है, उन्होंने 5,171 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। तो वहीं पूर्णिया और किशनगंज से आने वाले स्थानीय निकाय सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। यहां बीजेपी उम्मीदवार दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। दिलीप जायसवाल ने यहां तीसरी बार जीत दर्ज की है। तो वहीं गोपालगंज में भी बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह को जीत मिली है। राजीव सिंह यहां 20 वोटों से जीतने में कामयाब हुए हैं। राजीव सिंह को जो है 1,786 वोट, जबकि आरजेडी के दिलीप सिंह को 1,766 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वही आपको बता दें कि 14 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है, जबकि राजद 4 सीटें जीती है और बागियों ने भी यहाँ पर कमाल किया है। स्पीकर पर फेंक दिए वो भी हमने देखा था।